कैसे बोलना है, भूल ही गए जा। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरी मेरी फ्रेंड परिधि आई है। और तुम दोनों क्या करोगी बताओ? हम दोनों खेलेंगे, उसके बाद प्रीति जब अपना ड्राइंग कर लेगी। बाय। हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो बच्चों ने तो ब्लॉग शुरू कर दिया और मैं हूँ किचन में, और मैंने मटर को उसमें एक आलू डाला है और मैंने उबलने के लिए रख दिया, उसमें थोड़ा सा नमक भी डाला था। और मैं बनाने जा रही हूँ घुंघनी, और मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया, उसमें तेजपत्ता डाल दिया और उसमें डाल दूँगी प्याज। ये तो बहुत ईजी होता है, सभी बनाते हैं। और आज सुबह सुबह नाश्ता में ही खाने का मन था, मैंने सोचा वीडियो शेयर करूं। उसके बाद प्याज भुन जाए, फिर मैं डाल दूंगी टमाटर। उसके बाद इसमें है थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि मैं डाल के अच्छी तरह से भूनूंगी। उसके बाद हल्दी, लाल मिर्च और ये मैंने जीरा भुना हुआ और गोल मिर्च मैंने डाल दिया। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी नमक, क्योंकि मैंने पहले भी नमक डाला है, और मसाले को अच्छी तरह भून लूंगी। ये देखिए अच्छी तरह भुन गया है। और इसमें डाल दूंगी उबला हुआ मटर, सफ़ेद वाला जो मटर मैं डाल दूंगी। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, और ये हमारे घर में सबको बहुत ही पसंद है। और उसके बाद मैं अच्छी तरह से इसे मिला दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा और मैं पानी डाल दूंगी, जितना ग्रेवी चाहिए, तो उसमें मैं डाल दूंगी ढेर सारा हरा धनिया फ्रेश। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, और देख के बहुत ही यम्मी लग रहा है। और उसके बाद मैं कढ़ाई को गैस के उस तरफ बिठा दूंगी, और मुझे बनाना है पूड़िया, पूड़ी बनाऊंगी मैं। तो हो गया, मैंने आटा गूंथ के रखा था, और इसे मैं थोड़ा सा फिर से मिला लिया। उसके बाद मैं अब इसके बनाऊंगी पूरियां, बना के दो चार रख लूंगी, उसके बाद मैं तल दूंगी। पूरियां तो सभी को बनाने आता है, मेरे बच्चों को ज्यादा पूरी पसंद है, बेटी को तो और भी ज्यादा, इसीलिए बनाते रहती हूँ दो चार दिनों में। और मैं बना लेती हूँ सारी पूड़िया गर्मा गर्म फुली फुली, और उसके बाद दिखा। और ये देखिए गिर गया गैस के ऊपर वीडियो के चक्कर में। इसी तरह से मैं बना लूंगी अब सारी पूड़ी को। उसके बाद मैं दे दूंगी सभी को नाश्ता। मैंने बना लिया थोड़ा सा पूड़ी, मैं निकालती हूँ एक थाली, और ये मैंने थाली रख लिया, और उसमें मैं डाल दूंगी घुंघनी और पूड़ी। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, आप चाहो तो दही भी डाल सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये लीजिए आप सब भी खाइए। उसके बाद मैं दे देती हूँ नाश्ता। इधर प्रीति ऑनलाइन क्लास कर रही थी, थोड़ा सा ब्रेक मिला है तो ये नाश्ता कर रही है फटाफट से। ये और साथ में उसके पापा भी बैठे हैं, ये देखिए। अभी इन्हें मैं खाने देती हूँ और चलती हूँ मैं चाय बनाने।
और किचन में आई तो ये देखिए कबूतर बैठा हुआ है और इससे यहाँ मैं दाना देती हूँ, ये रोज़ खाने आता है। उसके बाद मैं बनाती हूँ चाय। आज मेरे घर में अदरक नहीं है, बस ऐसे ही बना दिया इलायची डाल के। और इनके लिए बिना शक्कर का, और मैं अपने मिर्ची नहीं डालूँगी, और हम सब बैठ के चाय पियेंगे। और अब आज का ब्लॉग बस इतना इतना ही। आप सबको कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।